स्वागत है गाइस आप सभी का मेरे चैनल के एक नए वीडियो में। तो इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे एक मोबाइल के बारे में जो कि है रियलमी 5। ये हमने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से कुछ दिन पहले, तो लेकिन ऑर्डर काफ़ी पैसा गया। 8GB 256GB का रोम है, 8GB RAM 256GB का रोम है, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया। तो स्कैम क्या है वो मैं आपको बताऊँगा, पहले उससे पहले देख लीजिए आप वीडियो। तो मैं अनबॉक्सिंग वीडियो डाल दूँगा और बताऊँगा आपको क्या क्या स्कैम हुआ हमारे साथ। और मैंने फ्लिपकार्ट वालों को मैसेज किया, मेल्स किया, बहुत ही मेल्स किया, कोई भी रिप्लाई नहीं आया। फ़ोन किया, कोई भी रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद मैंने डिलीवरी बॉय को भी फ़ोन किया, तो उसने बताया कि आप लोग रिटर्न कर दीजिए, लेकिन वहाँ पे जो रिटर्न ऑप्शन ही नहीं आता। तो 7 दिन का रिटर्न होता है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न ऑप्शन नहीं, तो मैं रिटर्न कैसे करता भाई, आप लोग ही बताइए। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो यहाँ पर हमारे हाथ में आ गया था बॉक्स, और बॉक्स को जल्दी जल्दी खोल लिया हमने, चाकू वाकू को वेट नहीं किया। और उसके बाद बॉक्स के अंदर जो प्रोडक्ट था वो देख के पहले से टूटा हुआ था पैकेट। उसके बाद यहाँ पे Realme 11 5G, तो जो प्लास्टिक रैप था उसको अभी हमने हाथ से छोड़ दिया, कोई भी मतलब चाकू ब्लेड इस्तेमाल नहीं किया जो कि हानिकारक होता है सेहत के लिए। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे सील टूटा हुआ, तो ये देख के मुझे पता चल गया कि ये स्कैम है भाई, बहुत बड़ा स्कैम है। तो ये देख के मैं दंग रह गया। उसके बाद मैंने सोचा ठीक है, फिर मैंने उसके बाद कस्टमर केयर को फ़ोन किया, उन्होंने पिक नहीं किया। उसके बाद डिलीवरी बॉय को फ़ोन किया, बहुत बार फ़ोन किया, उसने बताया कि मैं तो अभी बहुत दूर आ गया हूँ आपके घर से, 1 घंटा दूर आ गया हूँ, तो अभी डिलीवरी नहीं, मतलब मैं नहीं आ सका वापस, आप मतलब इस्तेमाल कीजिए प्रोडक्ट को, उसके बाद रिटर्न कर देना अगर अच्छा नहीं लगा तो। भाई ये कैसा मतलब उपाय है कि मतलब सील टूटा हुआ है, तो ये साफ साफ लिखा है कि अगर सील टूटा हो तो मतलब रिसीव ना करें, और ये कह रहा है कि इस्तेमाल कर लीजिए उसके बाद मतलब रिटर्न कर देना, ये किया था बात हुई। उसके बाद मैंने मेल्स किया, फोन्स किया कस्टमर केयर को बहुत सारा, और जो रिटर्न की बात कर रहा था वो रिटर्न ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था वहाँ पे, जो मैं जहाँ से मैंने ऑर्डर किया था वहाँ पे रिटर्न ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था, तो कैसे मैं रिटर्न करता। उसके बाद मैंने सोचा ठीक है, फिर उन्होंने कहा था तो 2-3 दिन इस्तेमाल करेंगे, तो अभी इस्तेमाल कर लिया है 2 दिन, अभी खराब लग, बहुत ही खराब दिख रहा है फोन, तो अभी रिटर्न कैसे करें भाई, 3 दिन 4, अभी हमको समझ नहीं आ रहा है कि उसको रिटर्न कैसे करें भाई। बहुत ही, अगर किसी की जान पहचान में कुछ है तो बताइए, हेल्प कीजिए। और ऐसे स्कैम से बचने के लिए फ्लिपकार्ट से ऑर्डर ना करें, अगर हो सके तो दुकान से खरीद लीजिए अपना फ़ोन अच्छे से, ऑफलाइन खरीद लीजिए, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से भाई महंगा फ़ोन तो बिल्कुल भी ऑर्डर ना करें, यही मेरी मतलब रिकमेंडेशन है, और बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।